हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम शुरू देखेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले कहता क्या है उसके बारे में देखेंगे कि 6 कह क्या रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जो त्रिज्या है आपके पास, सोल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, त्रिज्या है कि जो त्रिज्या है वह आपके पास 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए, बढ़ रही है तो प्लस होगा, आप अगर मान लीजिए घट रही है दे दीता तो माइनस लगा देते। क्या लगा देते? माइनस। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी? जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या देखेंगे कि परिधि की दर क्या होगी। वृत्त की परिधि देखिए होता है कि यस बराबर, मान लेते हैं यस बराबर 2πr, यस बराबर 2πr, वृत्त की यह परिधि है 2πr। हम यहाँ से टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन, तो टी के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास देखिए होता है ds बटा में dt इज इक्वल टू 2π और r का पहले r के सापेक्ष अवकलन, फिर r का t के सापेक्ष अवकलन। 2π r का हो गया 1 और dr बटा में dt का मान है 0.7, हो जाएगा 2×14 1.74π और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। r का मान ही कहीं नहीं रखना था, या आर का जो मान है वो कहीं रखना ही नहीं था। आइए देख लेते हैं इसका आंसर, मैच कर लेते हैं। ठीक, एकदम आपके पास छठवां का 1.4π सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही आपके पास आंसर है और यही हमें हमने हमें क्वेश्चन को हल करना था। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।